हेलो स्टूडेंट, आई एम शिवम। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी लोगों के लिए BTC फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए मैथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि घन और घनमूल क्या होते हैं, इस चीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई भी बच्चे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं घन, घन या इसके साथ में पढ़ेंगे घनमूल। देखिए, घन का मतलब क्यूब, ठीक है। क्यूब किसी भी गिनती को 3 बार गुणा कर दो घन हो जाता है, ठीक है। जैसे 2 का घन, ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 × 2 × 2, ये क्या हो गया, 3 बार हो गया 2, तो इसको क्या कह देंगे, घन कह देंगे, ठीक है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका होता है 2 की पावर 3, यानी किसी के पावर 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, उस गिनती का घन बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग घन देखेंगे, 2 का घन क्या निकल गया, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, ठीक है। 2 का घन क्या हो गया बच्चा, 8 हो गया। इसी तरीके से किसी भी गिनती के घन निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, उस गिनती को 3 बार गुणा करना पड़ता है, ठीक है। कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। ये बातें सभी को क्लियर हो गई ना। जैसे अगर हमसे कह दिया गया 3 का घन बताएं, ठीक है, तो घन का मतलब होता है 3 को 3 बार गुणा, ठीक है, 3 को 3 बार गुणा। देखिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो आंसर क्या हो गया बच्चा, 27 आंसर हो गया। जैसे सपोज देन 10 का क्यूब पूछा गया, तो करेंगे क्या, 10 × 10 × 10, तो कितना हो जाएगा, 1000। ये चीजें क्लियर हो गई सभी बच्चों को। देखिए, ये बहुत ही बेसिक चीज है, इस तरीके से आप लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करना जान जाएंगे कि घन क्या होता है। क्लियर, इज दैट क्लियर सभी को। चलिए और इसके उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि घन और घनमूल बहुत ही बढ़िया टॉपिक होता है। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो छोड़ने का नहीं है, क्योंकि ये आपको जितने नंबर आते हैं अगर उसमें ये आता है तो 100% करने का सवाल होता है। देख लीजिए घन और समझे, जैसे लिखा हुआ 11 का घन निकालिए, क्यूब 3 हो गया, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, 11 × 11 × 11, ठीक है। अगर गुणा करोगे 11 × 121 और गुणा 11, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 3 × 3 × 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 × 3 × 3 × 1 हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से आप लोग सवाल लगा सकते हैं वेरी इजी मेथड से, ठीक है। अब देखिए, बहुत बच्चों को किसी या किसी चीज़ में दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए हम लोग उसको भी चुटकी में करके चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करेंगे विद इन सेकंड्स में। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करना है, जैसे सपोज देन हमको यहाँ पर आता है, यहाँ पर ये वाला आता है स्क्वायर करना, सभी को मैंने इसके पहले वाली वीडियो में सिखाया, ये हो गया 1 × 1 × 11 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ ना करो 1 × 1 और इसको तोड़ दो 10 + 1 में तोड़ दो, ओके। 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 = 0 आ जाएगा, प्लस में 1 × 1 हो जाएगा, ऐड कर लो, वेरी इजी मेथड है, ठीक है। 1 × 2 × 3 × 3 = 1 आंसर हो गया, क्लियर, सभी को क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, और एक सवाल इसके ऊपर बेसिक देख लेते हैं, ठीक है, आखिर में हम लोग का अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, वर्ग को ट्रिक से या फिर जो भी हमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है, ठीक है, उस ट्रिक से हम लोग देखते हैं चुटकियों में, ठीक है। तो कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप नहीं करेगा, ये हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप बच्चे स्किप कर देंगे तो आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ वो चीज़ नहीं समझ में आएगी, ठीक है। चलिए चलिए देखते हैं, जैसे जैसे 13 क्यूब निकालना, तो 13 × 13 × 13, ठीक है, सपोज देन, ठीक है। अब मेरे को इतना स्क्वायर करना आता है, चूंकि मैंने पहले वीडियो में सीखा, ओके, कोई दिक्कत वाला ही नहीं है। देखिए
देखिए एक चीज समझेंगे हम लोग, ठीक है, क्या इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए 13 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 1 तिया 3, 1 कम 3, ठीक है। देखिए 1 तिया 3 और दूनी 6 हो गया, ठीक है, और 1 कम 1, ठीक है, 169 13 का स्क्वायर, ठीक है, गुना 13। अब इसको तोड़ेंगे 169 10 प्लस 3 में टूट जाएगा, ठीक है। सपोज 160 ये यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। देखिए 9 त्रिक 27 का 7 हाफिल आया 2, 6 त्रिक 18, 18 दो 20 हाफिल आया 2, 1 तिया 3 और 2 5, इसको जोड़ लूँ, 1 तिया 3 और 2 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 6 5 11 हो गया, 1 हो गया, आंसर कितना 1297 इसका आंसर हो गया है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक फंडा है, इस तरीके से चाहे आप लोग कुछ सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद इन सेकंड्स में, बहुत ही जल्दी से आप प्रैक्टिस करने पर होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसी के ऊपर घन पर ही देख लेंगे, ठीक है, और घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दें, जैसे लिखा हुआ है 25 का घन निकालना, देखिए घन निकालना तो 25 × 25 × 25 हो गया, ध्यान दें। देखिए बच्चों 25 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ का स्क्वायर कर लो, ठीक है, यहाँ का स्क्वायर कर लो, 5 × 25 हो गया, ठीक है, 5 × 25 हाफिल 2, 5 × 2 = 20 और 20 का दुगना 20 × 2 = 22, ठीक है, हाँ 20 × 2 = 22 हाफिल है 2, 2 × 2 = 4 × 2 = 6, 625 × 25 हो गया। अब जरा ध्यान समझो, 625 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 20 प्लस, या फिर ध्यान दें 10 + 5 तब 25 बनेगा, तब 25 बनेगा, देखें 650 इतना हो गया, 6250 हो गया, और 5 बार कर देंगे, ठीक है, 5 बार कर दो, 5 × 25 का 5 हाफिल आया, तो 5 × 10 = 2 = 12 हाफिल आया, 1 × 6 = 30 + 1 = 31 हो गया, ठीक है, जोड़ दो 5 × 2 = 5 × 10 + 2 = 12 हो गया, 2 × 2 = 4 + 5 = 6 हो गया, और 6 × 6 = 12, ठीक है, 6 × 6 = 12 और 12 × 3 = 15, आंसर कितना आ गया बच्चा 15625, 15625। तो देखिए कितना आसान हो गया है आप लोगों को क्यूब निकालना विद इन सेकेंड्स में, अगर आपका प्रैक्टिस ज़्यादा है तो आप बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, ठीक है, ये सभी को क्लियर हो गया है। इस तरीके से हमने जो सीखा वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आखिर में ये क्यूब रूट क्या होता है, ठीक है, क्यूब रूट या घनमूल जिसको बोलते हैं, ध्यान दें, देखिए घनमूल का मतलब होता है क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट, क्यूब रूट का मतलब होता है जो घन है वो कहां से निकल के आया, रूट माने होती है जड़, रूट माने होती है जड़, और क्यूब माने क्यूब होता है यानी घन, तो वो घन का जड़ क्या है, ठीक है, घन का जड़ हमको बताना है। देखिए कोई भी सवाल लिखा हुआ है, सपोज दें 1000 लिखा हुआ है, ये 1000 कहाँ से आया होगा, उसे ही कहते हैं हम लोग क्यूब रूट, क्या कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं, ठीक है। देखें इसको निकालने का मेथड हमारे पास में है गुणनखंड मेथड, ठीक है, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि के द्वारा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, सभी गिनती के 3-3 जोड़े बनाना है, कैसे, ध्यान, जैसे ये लिखा हुआ है काटो, ठीक है, 2 से काटना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान, 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0, 2 × 0 = 0, 2 से काटो, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 0 = 0, 2 से काटो, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक, और 2 × 5 = 10, अब 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25, और क्या हो गया, 5 × 5 = 25, और क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए ये 3 का जोड़ा बन गया, 2 × 2 = 2, ठीक है, ये 5 × 5 का जोड़ा बन गया। अब प्रत्येक जोड़े से, ठीक है, अब क्या करना है, प्रत्येक जोड़े से एक एक गिनती लेना है, ठीक है, एक एक गिनती ले लेंगे, देखिए यहाँ से 2 ले लिया और नीचे से क्या ले लिया, 5 ले, तो गुणा कर, तो आंसर कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, इज दैट क्लियर, सभी को ये तरीका समझ में आया कि गुणनखंड के मेथड से हम लोग घनमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्यूब रूट आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है,
सभी को समझ में आ गया, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए अब कोई सवाल लेते हैं, सवाल को करने का प्रयास करते हैं इसी मेथड से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग याद करेंगे उसका क्यूब रूट, पहले क्यूब ज्ञात करेंगे फिर क्यूब रूट ज्ञात करेंगे, ठीक है। दोनों चीजें ज्ञात करनी है। देखिए सपोज देन हमारे पास में गिनती लिखी हुई है 15, अब बच्चा कह दिया गया 15 का स्क्वायर निकालिए, देन 15 × 15 × 15, ठीक है, 15 × 15 लिख दिया गया। आप देखें, ध्यान दें, इसका स्क्वायर और फिर इसको गुणा कर लेंगे, देखें कैसे करना है। 5 × 5 = 25 हासिल आया 2, 5 × 1 = 5 उसका दोगुना, 5 × 2 = 10 जो हासिल है उसको छोड़ देंगे, 10 × 2 = 12, 1 बचा, ठीक है, 1 × 1 = 1 और 1 हासिल 2, तो 225 हो गया। अब 15 को तोड़ेंगे 10 और 5 में टूट गया, ओके, ये चीजें सभी को क्लियर हो गई हैं। अब समझेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको एक बार यहाँ से गुणा करना है तो इतना हो जाएगा। अब इसको 5 से गुणा करना है तो देखिए 5 × 5 = 25, ठीक है, 5 × 5 = 25। अब देखें 5 × 2 = 10 और 10 × 2 = 12, 1 बचा, 5 × 10 = 11, ओके, इज दैट क्लियर, सभी को समझ में आ गया है। अब देखें क्या करना है हमको, देखें जोड़ना पड़ेगा, 5 हो गया, 5 × 2 = 7 हो गया, 2 × 1 = 3 हो गया, 2 × 1 = 3 हो गया, इतना क्यूब निकल के आ गया है, ठीक है। अब इसी का क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, इसी का रूट निकालेंगे, ध्यान दें, 3 × 3 = 7 = 5 लिखा हुआ है, 5 से काटो, 5 × 6 = 30 हो गया, ठीक है, 5 × 7 = 35, 5 × 5 = 25, 5 से काटो, 5 × 1 = 5, ठीक है, बगल में 17, 5 × 3 = 15, 5 × 7 = 35, ठीक है, इज दैट क्लियर सभी को, कहीं दिक्कत तो नहीं है, है दिक्कत, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25 होता है, ठीक है, 5 से फिर काटेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 3 से काटो, 3 × 9 = 27, फिर 3 से काटो, 3 × 3 = 9, फिर 3 से काटो, 3 × 1 = 3, 1 गिनती यहाँ और यहाँ जोड़ा बन गया, तो 5 और 3 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 15, जो कि मूल आंसर के बराबर निकल के आया है। तो इस तरीके से बच्चा हम लोग आसानी से क्यूब और क्यूब रूट ज्ञात कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि क्या कोई घनमूल की ट्रिक है, तो घनमूल की ट्रिक लेके आएंगे, घन के ट्रिक लेके आएंगे कि ट्रिक के माध्यम से आप लोग घन और घनमूल कैसे ज्ञात करें। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, अगली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा क्लास का। चलिए लेते हैं अलविदा, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।